हेलो गाइस, मैं हूं अजय कुमार। डीबीए फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट के बारे में, यानी अपने वर्क के रिगार्डिंग हम सूची कैसे तैयार करें। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है टू डू लिस्ट के ऊपर, वो वीडियो आपको समर वेकेशन के लिए बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो मैं सूची बताने वाला हूँ वो सिर्फ आपको विंटर के लिए होगा। आप विंटर के अंदर किस तरह से अपने वर्क के रिगार्डिंग सूची तैयार कर सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप जो सूची तैयार कर रहे हैं उससे फ़ायदे क्या हैं। और अभी हम बात करते हैं हमें टू डू लिस्ट क्यों बनाना चाहिए। नंबर फर्स्ट पे आता है प्रोफेशनल बिजनेसमैन। अगर आपको प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना है तो टू डू लिस्ट के मुताबिक काम कीजिए, तो आपका बिजनेस बूम होगा। नंबर सेकंड पे आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, और नंबर थर्ड पे आएगा सेल्फ बिलीव, यानी जो भी काम किया आपने आपको बिलीव होगा कि मैंने आज ये काम कंप्लीट कर लिया। और फोर्थ पे आता है बिजनेस बूम, यानी जब भी आप अपने समय के अनुसार नियत के अनुसार काम करेंगे तो आपका बिजनेस बूम होगा। तो चलिए देखते हैं आप किस तरह से सूची तैयार कर सकते हैं। जो सुबह जल्दी उठता है वो कभी असफल नहीं होता। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में आपको ऑफिस के लिए रेडी होना है, और उसके बाद में आपको 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आपके पास अगर कोई बुक्स है तो बुक्स रीड कर लीजिए, या फिर आप इनविटेशन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम जो वॉकिंग करते हैं वो काफ़ी समय तक ऑनलाइन भी रहते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है इनविटेशन कॉल करने पर भी, तो आप इनविटेशन कॉल कर सकते हैं सुबह। उसके बाद में बात करते हैं 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच में। इस बीच में आप ब्रिज क्लास ज्वाइन करने के लिए आप ऑफिस के लिए निकल जाइए। कुछ सीनियर ब्रिज क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको बता देता हूँ कि आप ब्रिज क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए। 7 बजे तक आप ब्रिज क्लास के अंदर पहुंच जाइए। उसके बाद में 7 बजे से लेके आपको 9 बजे के बीच में ब्रिज क्लास अटेंड करना है। कुछ ऐसे सीनियर है जो ब्रिज क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको बता देता हूं कि आपका बिजनेस कभी बूम नहीं होने वाला। जो ब्रिज क्लास ज्वाइन करता है उसी का बिजनेस बूम होता है। और बात करते हैं 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में। इस बीच में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 9:30 से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपको बिहाइंड द सर्कल, यानी सर्कल के पीछे खड़ा होना है ताकि सीनियर को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके, तो आपको बिहाइंड द सर्कल खड़ा होना ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं 11:30 से 12:30 बजे के बीच में। इस बीच में आप अपने स्मार्ट सीनियर से मिलिए, जो भी आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं जिससे आपको नॉलेज मिल सकता है। और 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इस बीच में आप लंच कर लीजिए। इस बीच में आप 3 काम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, आप लंच कर लीजिए, उसके बाद में आप रेस्ट कर सकते हैं और इन्विटेशन कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच बाद में आता है 1:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच में। इस बीच में आपको बिहाइंड द सर्कल खड़ा होना है। जरूरी है ताकि सीनियर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सके। और उसके बाद में बात करते हैं 3:00 से लेकर 4:00 बजे के बीच। इस बीच में आपको अपनी टीम से मिलना है, उनके जो भी क्वेश्चन है जो भी डिस्कस है तो आप अपनी टीम से मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इनविटेशन कॉल भी कर सकते हैं इस टाइम के बीच में, ये आपका थोड़ा सा फ्री टाइम होता है तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 4:00 से लेकर 5:00 बजे के बीच। ये टाइम आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने वाला है। इसके अंदर आप बिहाइंड द सर्कल खड़े हो सकते हैं, इनविटेशन कॉल कर सकते हैं, और एनी अदर कोई वर्क है जो ऑफिस से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं 5:00 से लेकर 6:00 बजे के बीच में। इस बीच में आपको जैसे कुछ सीनियर की 5 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती है तो आप सीधा रूम पे जाइए। रूम पे जाने के बाद में आप रेस्ट कर सकते हैं। एक जो बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल, कि आप घर वालों से बात करना कभी मत छोड़िए। काफ़ी मैंने देखे हैं कि आप घर पे बात नहीं करते, आप प्लीज़ घर पे ज़रूर बात कीजिएगा। और उसके बाद में बात करते हैं 6:00 से लेकर 9:00 बजे के बीच में। इस बीच में आप जो भी किचन का काम है, जो भी किचन का वर्क है, खाना वो कंप्लीट कर लीजिए, डिनर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं 9:00 से लेकर नींद आने तक, टिल द स्लीप, यानी इस बीच में आप सबसे महत्वपूर्ण आपका रहता है इनविटेशन कॉल। अगर आपकी टीम पार्टनर आया हुआ है तो आप टीम डिस्कस कर सकते हैं, उनको क्लासें प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन आपकी अगर टीम में कोई भी पार्टनर नहीं आया हुआ तो आप इनविटेशन कॉल कीजिए।